नमस्कार ધોરણ 7 ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડિયો લેક્ચર ની અંદર તમારો ધોરણ 7 નો આજરોજ રેવાયું નું હિન્દી વિષય નું પ્રશ્ન બેંક નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા તમામ પ્રશ્નો નું સોલ્યુશન આપેલું છે. તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ આપણા પ્રશ્ન નંબર 1 થી. તો પ્રશ્ન નંબર પહેલો છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજે, જેમાં પહેલું છે ગુબ્બારે હવા મેં ક્યો ઉડતે હૈ. તેમનો ઉત્તર આવશે ગુબ્બારે મેં ગેસ ભરી જાતી હૈ ઇસલિયે હવા મેં ઉડતે હૈ. बीजू से ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है, तेमा जवाब आवशे ट्यूब में हवा कम हो जाती है तब हवा भरी जाती है. त्रीजू से सब्जी बेचने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है, तेमा जवाब आवशे सब्जी बेचने वाली स्त्री को कुंजडीन कहा जाता है. चौथू है टायर के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फट सकती है, तेमा आवशे गुब्बारा वॉलीबॉल फुटबॉल इत्यादि. पांचवू से रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम बताइए, तेमा जवाब आवशे गुब्बारा वॉलीबॉल फुटबॉल टायर. पांचवों से साइकिल स्कूटर आदि की ट्यूब में हवा क्यों भरी जाती है, ताकि वो अच्छी तरह से चल सके इसलिए. सातवों से सृष्टि की रचना करने वाले को क्या कहते हैं, तेमा से सर्जनहार. आठवों से सुबह होते ही क्या क्या होता है, तेमा से चिड़िया चहकाती है, फूलों की कलियां खिलने लगती है, फूलों की खुशबू चारों ओर फैल जाती है. नौवों से मैदानों और बागों में हरियाली कब आती है, तो मैदानों और बागों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है. दसवों से रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य हमें कैसा लगता है, तो रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य हमें बहुत निराला रमणीय लगता है. ग्यारहवों से तुम ईश्वर को क्यों याद करते हो, तो वहां से तारा सूरज चंद्र पर्वत नदियां आदि को देखकर हम याद करते हैं. बारहवों से वफादार का मतलब क्या होता है, तेमा से भरोसेमंद. तेरहवों से समाधि क्यों बनाई जाती है, तो किसी विशिष्ट व्यक्ति का प्राणी की याद कायम रखने के लिए. चौदहवों से समाधि का मतलब क्या होता है, मृतक की कब्र. पंद्रहवों से सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया, तेमा से सेठ ये कि यहाँ चोरों ने डाका डाला, कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन से गाड़ दिया, फिर वे भाग गए, कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भोंक भोंक कर वह जगह बताने लगा जहां चोरों ने माल डाला था. थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा माल मिल गया, सेठ जी की खुशी का पार न हुआ, इसीलिए कुत्ते की वफादारी देखकर वो सेठ जी ने कुत्ते को मुक्त कर दिया. सोलहवों से कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा जाता है, तो कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है, कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते. यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है, अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को इस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सारा माल वापस दिला देता है. मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है, इसलिए उनके गुणों के कारण उसको वफादार प्राणी कहा जाता है. सत्रहवों से मनुष्य अन्य प्राणियों में किस प्रकार अलग और श्रेष्ठ है, तो ईश्वर ने मनुष्य को सोचने विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है. उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है. वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है. मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है, इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है. अधर्मों से फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं, फूल रंग बिरंगी होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है, फूल प्राकृतिक जगहों गहनों का काम करते हैं, फूलों के तोरणों के स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ती है, फूल हार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने के लिए होता है. इनके इन गुणों और उपयोग के कारण फूल हमें अच्छे लगते हैं. 19वां प्रश्न है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो उसी तीन जगह, तो मेले में सर्कस में और जाहिर जगहों पर. माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए, क्योंकि माता को हम ईश्वर का दर्जा देते हैं और माता ने हमें जन्म दिया है, इसीलिए हमें उसे उसका ऋण चुकाना चाहिए. 21वां से हमारी कसनी और करनी एक क्यों नहीं होती, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते नहीं है. 22वां से हिंदवासियों में कैसी विविधता देखने को मिलती है, तो हिंदवासी अलग अलग रंग रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग है, भाषा और धर्म भी अलग अलग है, इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं. 23वां है, हिंद देश के निवासी कविता में किन तीन नदियों का उल्लेख है, तो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी आदि नदियों का उल्लेख
24वां से नदियों से हमें क्या सीखना चाहिए। तो हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उनके उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे समुद्र में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર બીજો છે, એમનો વિસ્તૃત જવાબો લખવાના છે મિત્રો। આ પાંચ પ્રશ્નોના જવાબ માટે આપણે એક અલગથી વિડીયો બનાવીશું અને છેલ્લે જે કવિતાઓ આપેલી છે એમના માટે પણ એક અલગ વિડીયો બનાવીશું। તે પહેલા પ્રશ્ન નંબર ત્રીજો જોઈ લઈએ કે મુહાવરી કા અર્થ લિખે, નો દો ગ્યારહ હોના તેમ આવશે ભાગ જાના, ફૂટ ફૂટ કર રોના તો જોર જોર સે રોના, હૃદય હિલા દેના તો હૃદય કો દ્રવિત કરના, માર ખા જાના તો નુકસાન હોના, हल्का हक्का बक्का रह जाना तो चकित होना, पानी पानी हो जाना तो बहुत लज्जित होना, फूटी कोड़ी न होना तो एक भी पैसा न होना, कोई चारा न होना तो कोई रास्ता न होना, गुणों की खान होना तो बहुत गुणी होना, आओ देखा न ताओ कुछ देखे बिना, अग्यारमो से हिल मिल चलना तो एक साथ चलना, अक्कल का अंधा तो बुद्धिहीन होना, અને 14મો છે આંખે ખોલ દેના તો સહી ગલત કા ફર્ક ન પહેચાન પાના। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર ત્રીજો છે બ, તો કહાવત કા અર્થ લખીએ, તો આમના માટે પણ આપણે બધા જ અર્થો સાથે એક સરસ મજાનો વિડીયો બનાવીશું। તે પહેલાં આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અને એમાં બે કહેવતો લખેલી છે તે જોઈ લો કે જેસી કરની વેસી ભરની, તો જેસી કરોગે વેસી હી ભરોગે, વેસા હી ફલ મિલેગા, काला अक्षर भैंस बराबर, तो अनपढ़ को काले अक्षर भैंस ही की तरह समझ नहीं आते। त्यार पछी जो प्रश्न नंबर चार से संज्ञा के प्रकार बताइए, तो नर्मदा तो व्यक्तिवाचक, नदी तो जातिवाचक, विनम्रता तो गुणवाचक, घास तो जातिवाचक, सब्जी सॉरी तेल तो द्रव्यवाचक, आशा तो भाववाचक, भीड़ तो समूहवाचक, सैनिक तो समूहवाचक, अहिंसा तो भाववाचक, सरबत तो द्रव्यवाचक, गाय तो जातिवाचक, क्षमा तो भाववाचक, हिमालय तो व्यक्तिवाचक, चढ़ाई तो भाववाचक, कुत्ता तो जातिवाचक, नीम तो जातिवाचक, भीड़ तो समूहवाचक, चिड़िया तो जातिवाचक, गाय तो जातिवाचक, शांति दया और प्रेम तो भाववाचक, पौधे तो जातिवाचक, गिरनार तो व्यक्तिवाचक, गंगा तो व्यक्तिवाचक, पेड़ तो जातिवाचक, ટોલી તો સમૂહવાચક, હિંસા તો ભાવવાચક। ત્યાર પછી કાવ્ય પંક્તિઓ છે, તો એમનો આપણે ભાવાર્થ લખવાનો છે, એમના માટે આપણે એક અલગથી વિડીયો બનાવીશું। તો ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં, ત્યાં સુધી જય હિન્દ જય ભારત।